गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तुम लोग क्लास सिक्स का, जो कि एलजेब्रा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम लोग दो पैटर्न स्टडी करेंगे जो कि इस वर्कशीट से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। वो है मैचस्टिक पैटर्न, कैसे मैचस्टिक पैटर्न से डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है और कितना मैचस्टिक का ज़रूरत होता है, मतलब नंबर ऑफ मैचेस कितना लगेगा, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो दो एग्जांपल से हम लोग वो पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि इसमें दो इस एक्सरसाइज में दो ठो ऐसा सवाल है, तो पहले वैसे ही दो ठो एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेंगे मैचस्टिक वाला पैटर्न, तो समझने में ईजी होगा। और उसके बाद एक जनरल फार्मूला है वो सॉल्व करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वर्कशीट में या फिर एक्सरसाइज में हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैचस्टिक पैटर्न, कैसे मैचस्टिक पैटर्न से डिफरेंट डिफरेंट शेप बनता है और कैसे कितना नंबर ऑफ मैचस्टिक हम लोग निकाल पाएंगे उस शेप से, उस फॉर्मूला को वो पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ जो है वो है हम लोगों का मैचस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पे ऐसा टाइप का शेप दिया हुआ है, ये एक एल शेप दिया हुआ है, एक तो है उसके बाद यहाँ पे दो ठो दिया रहेगा, ये एक सेट है, ये पहला वाला सेट है, ये दूसरा वाला सेट है और नीचे तीसरा वाला सेट है जिसमें कि तीन ठो एल है, एल शेप है तीन ठो। ये तीसरा वाला सेट है, तो देखो यहाँ पे सारा मैचस्टिक है, मतलब इस शेप में कितना मैचस्टिक है, एल शेप में एक ठो दो ठो, इस एल शेप में कितना मैचस्टिक है, एक दो तीन चार, चार ठो मैचस्टिक है। इस सेट में कितना मैचस्टिक है, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो पाँच ठो छः ठो, छः ठो मैचस्टिक है। मतलब पहला वाला जो एल सेट है उसमें दो ठो मैचस्टिक है, दूसरा वाला सेट में दो ठो एल सेट है उसमें कुल मिला के चार ठो मैचस्टिक है, तीसरा वाला सेट में कुल मिला के छः ठो एल है उसमें मेरा तीन ठो एल है उसमें छः ठो मैचस्टिक है। ठीक है, तो मतलब क्या नंबर ऑफ एल कितना फॉर्म हुआ है वो हम लोग देखेंगे कि पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एल एक तो है, दूसरे वाले सेट में नंबर ऑफ एल दो तो है और तीसरे वाले सेट में नंबर ऑफ एल तीन तो है, और उसके रिस्पेक्ट में कितना मैचस्टिक हम लोगों को ज़रूरत है इस शेप को बनाने के लिए। तो पहले इस चार्ट से पहले देख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे दो ठो कॉलम लगेगा हम लोगों को, इस वाले कॉलम में लगेगा कि कितना एल फॉर्मेशन हुआ है, कि नंबर ऑफ एल फॉर्म, क्योंकि एल सेट में है तो नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, कितना एल फॉर्म किया है। ठीक है, और दूसरा वाला में कितना मैचस्टिक जरूरत है हम लोगों को इसको फॉर्मेशन करने के लिए, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले वाले देखो नंबर ऑफ एल फॉर्म, तो पहले वाले सेट में कितना एल फॉर्मेशन हुआ, एक ठो, सिर्फ एक ठो एल था। ठीक है, उसके लिए मुझे कितना मैचस्टिक का ज़रूरत था, दो ठो, एक ठो दो ठो, दो ठो मैचस्टिक का ज़रूरत था। ठीक है, दूसरे वाले सेट में देखो दो ठो एल है, दो ठो एल है। ठीक है, उसके लिए कितना मैचस्टिक का ज़रूरत था, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो, टोटल चार ठो मैचस्टिक का ज़रूरत था। तीसरा वाला जो सेट उसमें देखो तीन ठो एल है। ठीक है, उसमें कितना मैचस्टिक का ज़रूरत है, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो पाँच ठो छः ठो, छः ठो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या चार्ट। ठीक है, तो इस वाले चार्ट में हम लोगों को ये जो डेटा है, इस डेटा से फॉर्मूला को निकालना होगा कि ये डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है। तो देखो पहले वाला जो एल है, पहले वाला जो एल है उसमें दो ठो मैचस्टिक का ज़रूरत है, एक ठो ही एल है। दूसरे वाले में दो ठो एल है उसमें चार ठो मैचस्टिक का ज़रूरत है, तीसरे वाले में तीन ठो एल है उसमें छः ठो मैचस्टिक का ज़रूरत है। तो देखो सारा जितना भी नंबर से, मतलब नंबर ऑफ एल फॉर्म एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, उससे क्या दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, दो से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो एक क्या दो से मल्टीप्लाई होके वन इंटू टू दो हो रहा है, दो को अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टू इंटू टू फोर हो रहा है, थ्री को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स हो रहा है। मतलब क्या, मतलब मुझे कितना मैचस्टिक का ज़रूरत है, जितना एल फॉर्मेशन हुआ है उसका उसका दुगना, मुझे कितना मैचस्टिक का ज़रूरत है, जितना एल फॉर्मेशन हुआ है उसका दुगना। मतलब पहले इस वाले को मान लो कि तुम्हें कितना मैचस्टिक चाहिए, दो ठो मैचस्टिक चाहिए एक ठो एल फॉर्मेशन के लिए। मतलब क्या तुम कितना एल कितना फॉर्मेशन हुआ है, एक ठो फॉर्मेशन हुआ है, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें कितना मैचस्टिक का ज़रूरत है एक ठो एल बनाने के लिए वो निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो दो ठो एल फॉर्मेशन हुआ है, मैचस्टिक कितना चाहिए चार ठो, मतलब इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो चार ठो चार मिल जाएगा। मतलब क्या दो ठो एल बनाने के लिए मुझे चार ठो मैचस्टिक का ज़रूरत है, मतलब जितना एल मुझे चाहिए, जितना एल
है यहाँ पे, उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा उसके उसको बनाने के लिए कितना मैचस्टिक जरूरत है वो मुझे मिल जाएगा। तो मतलब क्या, ये दो से रिलेटेड है, दो से मल्टीप्लाई और ऐसा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड कितना चाहिए, 2 इंटू कितना एल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, 2 इंटू नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड। तो मान लो कितना एल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, मान लो कि एन एल फॉर्मेशन हुआ है, नंबर ऑफ एल फॉर्मेशन मान लो कि यहाँ पे एन स्मॉल एन नंबर ऑफ एल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n फॉर्मूला हो जाएगा 2n। मतलब क्या, इस पैटर्न के लिए नंबर ऑफ मैचस्टिक का जरूरत कितना पड़ेगा, 2n होगा। जहाँ पे n कितना है, n है तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ l फॉर्म्ड। अब जितना l फॉर्मेशन होगा n के जगह में उतना हम नंबर डाल देंगे, डाल के निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। तो जितना l फॉर्मेशन है उससे दो मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो मैं क्या नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना चाहिए निकल जाएगा। तो एक मैचस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग जो इस एक्सरसाइज में दो टॉस हम दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला पैटर्न क्या है, मैचस्टिक वाला पैटर्न, ये तो सेपरेट पैटर्न हो गया, ठीक है। और एक ठो टाइप का पैटर्न आता है, उसमें क्या एक मैचस्टिक कॉमन रहेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो मान लो कि ऐसा एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैचस्टिक है, यहाँ पे है, यहाँ पे चारों मैचस्टिक है, ये पहला वाला सेट है, दूसरे वाले में दो ठो ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये दो ठो जुड़ा हुआ रहेगा, दो नंबर वाला सेट है। तीन नंबर वाले सेट में क्या, तीन ठो ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, तीन तो ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये सारा मैचस्टिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना मैचस्टिक है, यहाँ पे एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो मैचस्टिक है, यहाँ पे कितना मैचस्टिक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ठो मैचस्टिक है, यहाँ पे कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस ठो मैचस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ठो स्क्वायर, ये मान लो कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक ठो रेक्टेंगल है उसमें चार ठो मैचस्टिक का जरूरत है, तो यहाँ पे दो ठो रेक्टेंगल के लिए कितना कितना जरूरत होगा, 4 × 2 मतलब आठ ठो का जरूरत होगा, लेकिन है 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला जो मैचस्टिक है, ये बीच वाला मैचस्टिक है कॉमन मैचस्टिक है, मतलब इसके लिए भी ये वाला मैचस्टिक है और इसके लिए भी ये वाला मैचस्टिक है, मतलब ये वाला बीच वाला जो मैचस्टिक है ये कॉमन हो जा रहा है, इसलिए एक ठो घट गया, ठीक है। आठ होना चाहिए था लेकिन है सात ठो, गिनो देखो सात ठो मिलेगा। वैसे हिसाब से यहाँ पे तीन ठो रेक्टेंगल है, तो एक ठो रेक्टेंगल के लिए चार ठो मैचस्टिक का जरूरत था, एक दो तीन चार, वैसे ही तीन ठो रेक्टेंगल के लिए कितना जरूरत होगा, 3 × 4 मतलब 12 ठो, ठीक है। लेकिन 12 ठो यहाँ पे नहीं है, है कितना, 10 ठो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये वाला मैचस्टिक है और ये वाला मैचस्टिक कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो मैचस्टिक है ये इस रेक्टेंगल के लिए भी आएगा और इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी आएगा, तो एक तो घट गया यहाँ पे। और ये वाला जो मैचस्टिक है, ये वाला मैचस्टिक इस रेक्टेंगल के लिए भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल के लिए भी आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया, मतलब दो ठो यहाँ पे कॉमन हो गया, मतलब 12 ठो आना चाहिए था, लेकिन आएगा कहाँ, आएगा यहाँ पे क्या, दो ठो अगर घटा देंगे 12 से तो क्या हो जाएगा, 10 ठो मिलेगा। काउंट करो देखो, 10 ठो ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये अटैच है, दो डायग्राम क्या है, दो शेप अटैच किया हुआ है, मतलब जो मैचस्टिक है बीच वाला वो कॉमन हो जा रहा है, इसलिए क्या घट रहा है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए मैचस्टिक कितना जरूरत था, 4 ठो, दूसरे वाले के लिए 7 ठो और तीसरे वाले के लिए क्या, 10 ठो। तो इसी को हम लोग क्या जैसे पहले किए थे एक टेबल में लिख लेंगे। तो पहला वाला क्या होगा, कितना रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है, और दूसरे में क्या लिखेंगे, कितना मैचस्टिक का मुझे जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा एक चार्ट आएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डालेंगे कि कितना रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड, और दूसरा क्या है, कितना मैचस्टिक का जरूरत है, मतलब नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो पहले वाला सेट में कितना रेक्टेंगल फॉर्म किया था, एक ठो रेक्टेंगल फॉर्म किया था, मुझे कितना मैचस्टिक जरूरत था, 4 ठो पहले वाले के लिए। दूसरे वाले में क्या, कितना रेक्टेंगल है, 2 ठो रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरे वाले में 2 ठो रेक्टेंगल है,
मैचस्टिक का जरूरत कितना था काउंट करोगे तो मिलेगा क्या 7। तीसरे वाले में देखो, तीन तो रेक्टेंगल है, अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या इसको अब रिलेट करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे। तो देखो पहले वाले में एक ठो रेक्टेंगल फॉर्मेशन क्या था, नंबर ऑफ मैचस्टिक जरूरत था 4। उसके बाद सेकेंड वाले में दो ठो रेक्टेंगल फॉर्मेशन किया था, मैचस्टिक का जरूरत था 7। और तीसरे वाले में, तीसरे वाले सेट में तीन ठो रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ था, मैचस्टिक का जरूरत था 10। अब ठीक है, अब देखो पहले वाले जो एग्जांपल था, पहला वाला जो एग्जांपल उसमें दुगना हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दुगना नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर करेंगे क्या, इस वाले को तोड़ेंगे, जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है पहले वाला 4, उसके बाद वाला 7, उसके बाद वाला 10, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इस वाले से हेल्प लेके तोड़ेंगे। जैसे कि पहले वाला देखो नंबर 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो अगर 4 मैचस्टिक का जरूरत है तो 4 मैचस्टिक लेके हम लोग क्या करेंगे, एक ठो रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, 4 मैचस्टिक लेके हम लोग एक ठो रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये जो 4 है, 4 है, इसको हम तोड़ेंगे एक के हिसाब से। तो कैसे तोड़ेंगे, इस जो 4 है इसको तोड़ेंगे हम क्या, एक के हिसाब से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, तो ये करेंगे तो क्या 4 आएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 1 मतलब 4 आ रहा है। मतलब एक के हिसाब से हम तोड़ दिए 4 को, एक के हिसाब से, क्यों, क्योंकि 4 मैचस्टिक लेके हम लोग क्या एक ठो रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ये जो 4 को तोड़ेंगे, इस 4 को हम एक के मदद से ही तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 7 है, तो 7 मैचस्टिक का जरूरत है मुझे 2 रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो ये जो 7 को तोड़ेंगे, ये भी क्या 2 के हिसाब से तोड़ेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 + 1 = 7। देखो 2 का हिसाब से ही तोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे 2 था, 2 के हिसाब से तोड़ दिए। अगला वाला है 10, तो इस 10 को भी हम तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे कैसे, किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से तोड़ेंगे। तो 3 के हिसाब से अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9 + 1 = 9 + 1 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न ठीक से देखो, पैटर्न देखो, ये जो 3 है यहाँ पे, 3 सेम है, 3 तीनों में ही है, लेकिन ये जो 1 2 3 ये वाला जो है, ये वाला क्या है, देखो 1 2 3 ये वाला क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, कितना रेक्टेंगल फॉर्मेशन किया हुआ है। मतलब पहले वाले देखो एक तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन किया हुआ था, जब हम 4 मैस्टिक का जरूरत पड़ेगा। दूसरे वाले में 2 रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ था, 7 मैस्टिक का जरूरत था। तीसरे वाले में 3 रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ था, 10 मैस्टिक का जरूरत था। मतलब ये जो सारा है ये क्या है, ये 1 2 3 क्या है, कितना रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म। और ये 3 तुम्हारा क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर है, एंड हर एक में क्या प्लस 1 हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं। तो पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न देखो क्या है, अगर ये वाला ये 1 2 3 क्या था, ये 1 2 3 मेरा नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन था। तो तुम मान लो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन मेरा कितना हुआ है, x हुआ है, मान लो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन मेरा x होगा। तो ये क्या, x सारा मल्टीप्लाई हुआ है, हर एक से मल्टीप्लाई हुआ है, तो x 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 हर एक में जुड़ गया, तो प्लस 1 हर एक में जुड़ देंगे हम, तो मेरा पैटर्न क्या हो जाएगा, 3 × x मतलब 3x + 1, ये हो जाएगा मेरा पैटर्न। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना लाएगा, इतना लाएगा। तो इसको अगर फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे तो देखो क्या डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले, ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड ये क्या होगा, 3 नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड प्लस 1। तो कितना रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ है, मान लो एक्स फॉर्मेशन हुआ है प्लस 1, मतलब 3x + 1। तो ये हो गया पैटर्न, देखो ठीक से देखो, नंबर 4 को इसको तोड़ दे, तो ये जो 1 2 3 ये वाला क्या था, ये देखो 1 2 3 ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन था। मतलब हर एक में देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये 4 7 10 क्या है, ये 4 7 10 मेरा कितना मैस्टिक का जरूरत है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड कितना मैस्टिक का जरूरत है, इक्वल टू क्या होगा, देखो हर एक में 3 है तो 3 डाल दिए, और हर एक में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई डाल दिए, और ये 1 2 3 क्या है, कितना रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो हम लोग मान लेंगे कि एक तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो तुम एक्स भी मान सकते हो, एन भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, वो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स एन यहाँ पे सारा तुम्हारा क्या वेरिएबल है। तो एक्स भी मान के चल सकते हो, एन भी मान के चल सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा
रेक्टेंगल्स, वो एक्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये सारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मेशन था, तो मान ली कि वो एक्स होगा, तो एक्स सारे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दो तीन मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक से, तो हम भी क्या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एक्स होगा, मान लिए थे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म। तो एक्स को देखो मल्टीप्लाई कर दिए थ्री से, और हर एक से क्या प्लस वन जुड़ गया, देखो प्लस वन जुड़ गया, यहाँ पर भी हम जुड़ दिए, तो क्या होगा फॉर्मूला थ्री एक्स प्लस वन। तो यही मेरा पैटर्न हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कि नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना जरूरत है, थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का आएगा, तुम्हें ये जो डेटा है वो डेटा देख के मुझे फॉर्मूला इसको फॉर्मुलेट करना होगा, ये डेटा को फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है, तो यही आता है। ठीक है, एग्जांपल में भी एक तो एग्जांपल में बहुत कुछ दिया हुआ है, तीन तो या चार तो शायद एग्जांपल दिया हुआ है, और एक्सरसाइज में भी दो तो सम है ऐसा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या वो दो तो जो सम है वो दो तो सम सॉल्व करेंगे, ऐसा ही सम है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, दूसरा वाला फॉर्मूला है मान लो कि यह दो का टेबल, हम लोग सभी को दो का टेबल आता है। ठीक है, तो दो टू इंटू वन कितना होता है, दो टू इंटू टू कितना होता है, फोर टू इंटू थ्री कितना होता है, छः टू इंटू फोर कितना होता है, आठ टू इंटू फाइव कितना होता है, दस, ऐसे करके चलता रहेगा। तो देखो ये जो वन है ना, ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारा क्या नेचुरल नंबर है, ये सारा क्या नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये दो फोर सिक्स एट दस, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये दो चार छः आठ दस, जितना भी ये सारा तुम्हारा क्या इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, डिफरेंस यही है दोनों में से कि दो चार छः आठ दस सारा मेरा क्या इवन नेचुरल नंबर है, और ये एक दो तीन चार पाँच ये सिर्फ नेचुरल नंबर है। इवन क्यों, क्योंकि इवन नंबर किसको बोलते हैं, जिस नंबर को दो से अगर हम डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर जीरो मिलेगा मुझे तो वही मेरा इवन नंबर हो गया। किसी नंबर को अगर दो से डिवाइड करे और रिमाइंडर मेरा जीरो आता है तो वही नंबर मेरा क्या इवन नंबर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर दो का टेबल में आएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो नंबर मेरा दो का टेबल में आएगा वही मेरा इवन नंबर हो गया। तो दोनों डेफिनेशन आता है, एक डेफिनेशन क्या है, जिस नंबर को हम दो से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर मेरा जीरो आएगा तो वो नंबर तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी नंबर अगर दो का टेबल में आ रहा है, जैसे कि ये दो चार छः आठ दस, इसके बाद बारह चौदह सोलह बीस ट्वेंटी टू, सारा दो का टेबल में आ रहा है, तो जितना भी नंबर दो का टेबल में आएगा वो सारा मेरा क्या इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये सारा हम लोगों का दो चार छः आठ दस, ये सारा मेरा क्या है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, और ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये सारा क्या है, ये सारा मेरा सिर्फ नेचुरल नंबर है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पैटर्न क्या हुआ देखो, और हर एक में क्या दो है, हर एक में दो है, तो फॉर्मूला क्या हुआ कि दो से किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तुम देखो हर एक में दो मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक में दो मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक दो तीन चार पाँच सारा तुम्हारा क्या नेचुरल नंबर है, मतलब दो से हम यहाँ पे क्या सारा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया है, जितना भी नेचुरल नंबर है सब नेचुरल नंबर को दो से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और हर एक में क्या मुझे इवन नेचुरल नंबर मिल रहा है मल्टीप्लाई करके। तो फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 इंटू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू इवन नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या एक इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन इवन, इसको ऐसे लिखो, 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन इवन नेचुरल नंबर। अब मान लो एनी नेचुरल नंबर क्या, ये एक दो तीन चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए कि एक नेचुरल नंबर n है, n मान लिए कि एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की जगह हम क्या n बिठा देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एन इक्वल्स टू क्या इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, मान लिए कि एक नेचुरल नंबर n है और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, तो 2 इंटू एन क्या होगा, 2n हो जाएगा, तो इवन नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मतलब क्या, अगर एक नेचुरल नंबर n है, कोई भी अगर नेचुरल नंबर n है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 2n हो जाएगा, और वो 2n क्या हो जाएगा, मेरा इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो इतना ही अभी हम लोग क्या वो डायरेक्टली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। मतलब क्या कुछ दिया हुआ है, चार तो सवाल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, मुझे एक रूल प्रिपेयर करना है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स
पैटर्न के हिसाब से, और एक वेरिएबल चूज करना है इसके लिए, रूल के लिए। वेरिएबल मतलब क्या, तुम एक्स भी मान सकते हो, एन भी मान सकते हो, बी ए कुछ भी मान सकते हो, सारा मेरा क्या है वेरिएबल है, ठीक है। तो पहला देखो, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी, देखो क्या दिया, एक टी को लिखा है कैसे, दो ठो मैचस्टिक के हिसाब से लिखा है। देखो ये जो टी है, ऊपर एक मैचस्टिक है और नीचे एक मैचस्टिक है, ठीक है। ये पैटर्न वी है, वी में देखो यहाँ पे एक मैचस्टिक है, यहाँ पे एक मैचस्टिक है, ठीक है। अच्छा लेटर जेड है, देखो यहाँ पे एक मैचस्टिक है, यहाँ पे एक मैचस्टिक है, यहाँ पे एक मैचस्टिक है, मतलब तीन ठो मैचस्टिक है। पैटर्न लेटर यू, यू को कितना मैचस्टिक दिया, देखो एक ठो दिया है, दो ठो दिया है, तीन ठो दिया है, तो तीन ठो मैचस्टिक है, ठीक है। तो पहला वाला जो लेटर टी है उसमें दो ठो मैचस्टिक का जरूरत है टी लेटर को लिखने के लिए, ठीक है, और बनाने के लिए दो ठो मैचस्टिक का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे वी को लिखने के लिए भी एक ठो दो ठो मैचस्टिक का जरूरत है, जेड को लिखने के लिए एक ठो दो ठो तीन ठो मैचस्टिक का जरूरत है, लेटर यू को लिखने के लिए एक ठो दो ठो तीन ठो मैचस्टिक का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या होगा कि नंबर ऑफ मैचस्टिक का हिसाब से रूल हम लोग क्या लिखेंगे, जो जैसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में चार्ट में कराए थे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, नंबर वन एक का क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स क्या होगा, देखो दो ठो मैचस्टिक जरूरत है टी को लिखने के लिए, ऊपर एक ठो और नीचे एक ठो, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर मैचस्टिक क्या होगा, 2n, 2n का जरूरत है। यहाँ पे n क्या है, वेरिएबल है, तुम x भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो ठो मैचस्टिक का जरूरत है इसलिए 2n होगा, तीन ठो अगर रहेगा तो 3n होगा, फोर ठो रहेगा तो 4n होगा, पांच ठो मैचस्टिक रहेगा तो 5n होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो n हम लोग वेरिएबल चूज किए इसलिए यहाँ पे n है, तुम x भी मान सकते हो वेरिएबल, अगर x वेरिएबल मानोगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर a वेरिएबल मानोगे तो 2a हो जाएगा, b वेरिएबल लोगे तो 2b हो जाएगा, तो वेरिएबल सिर्फ पलट जाएगा लेकिन नंबर दो जो है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैचस्टिक दो ठो का जरूरत है इसलिए दो। अगर यह मैचस्टिक तीन ठो का, तीन ठो मैचस्टिक रहता टी को बनाने के लिए, अगर मान लो कि तीन ठो मैचस्टिक जरूरत पड़ता तो हम लोग यहाँ पे 3n कर देते, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अच्छा देखो वी को, वी पैटर्न जो वी लेटर है उसको लिखने के लिए मुझे भी क्या दो ठो मैचस्टिक का जरूरत है, तो यहाँ पे भी मुझे नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना लगेगा, 2n ही लगेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल्स टू क्या, 2n, क्योंकि दो ठो मैचस्टिक लगेगा वी लेटर को लिखने के लिए, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, दो ठो मैचस्टिक, इसलिए क्या होगा 2n हो जाएगा, जितना मैचस्टिक उतना नंबर्स होगा, और उसके बाद वेरिएबल बिठा देंगे अब, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री में देखो जेड लेटर को लिखने के लिए कितने मैचस्टिक की जरूरत है, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे दो ठो, यहाँ पे तीन ठो, तीन ठो मैचस्टिक की जरूरत होगा, मतलब कितना होगा मेरा 3n हो जाएगा ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल्स टू 3n कर देंगे, क्योंकि तीन ठो मैचस्टिक की जरूरत है इसलिए 3n, ठीक है। अच्छा उसके बाद यू है, यू में देखो कितना मैचस्टिक की जरूरत होगा, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, तीन ठो मैचस्टिक है, मतलब क्या 3n हो जाएगा यहाँ पे भी लिखने के लिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक मेरा 3n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल्स टू 3n, ये भी 3n हो जाएगा, ठीक है। फिर जितना मैचस्टिक का जरूरत है, जितना मैचस्टिक्स चाहिए यहाँ पे, उतना नंबर्स इनटू जो वेरिएबल तुम चूज करोगे, अगर n करोगे तो n, a करोगे तो a, b करोगे तो b, वो वेरिएबल तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x अगर लिखना चाहोगे वेरिएबल तो x हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ, जितना मैचस्टिक यहाँ पे, नंबर ऑफ मैचस्टिक जितना चाहिए उतना नंबर्स इंटू जो वेरिएबल तुम चूज करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में देखो दो ठो मैचस्टिक का जरूरत था इसलिए 2n, दूसरे वाले में भी दो ठो मैचस्टिक का जरूरत था इसलिए 2n, तीसरे वाले में तीन ठो मैचस्टिक का जरूरत था 3n, चौथे वाले में भी चार तीन ठो मैचस्टिक का जरूरत था इसलिए 3n, ठीक है। तो पहले काउंट कर लेंगे, उस हिसाब से हम लोग बिठाएंगे। अच्छा तो एक ठो हम छोड़ दिए, वो तुम होमवर्क करोगे, क्योंकि पहले वाले में पाँच ठो सम है, नंबर वन में पाँच ठो सम है, ठीक है। हम चार ठो कराए, एक ठो तुम होमवर्क करोगे, गिनोगे कि कितना मैचस्टिक जरूरत है, वो इंटू वेरिएबल बिठा दोगे तो वो आ जाएगा। तो एक ठो हम छोड़ दिए होमवर्क के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या दिया है, इफ देयर आर 24 मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। बोला गया है क्या, 24 ठो मैंगो है एक बॉक्स के अंदर, 24 ठो मैंगो है, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स इक्वल्स 24, हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस बी है, ठीक है, और एक बॉक्स के अंदर 24 ठो मैंगो है, एक बॉक्स के अंदर 24 ठो मैंगो है और नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरे पास बी है, ठीक है। तो इस दो जो डेटा दिया हुआ है, इस दो डेटा को यूज करके हम लोग क्या नंबर ऑफ मैंगोज कितना लिख सकते हैं,
और नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे नंबर ऑफ मैंगोज किसके टर्म में बोलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में बोलना पड़ेगा। तो जो डेटा है पहले इसको लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मैंगोज मेरे पास कितना है, 24 है। तो नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, 24 है। नंबर ऑफ मैंगोज है मेरे पास 24, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें बोल दिया कि बी मान लेते, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे बता दिया कि इसको बी मान लो कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बी है, ब्रैकेट में बोल दिया। तो सवाल क्या है, हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज कितना है ये हम कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में। तो नंबर ऑफ ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है ये 24 है, एक ठो बॉक्स में, एक ठो बॉक्स में 24 ठो मैंगो है। तो अगर बी वाला बॉक्स रहेगा तो नंबर ऑफ मैंगोज कितना होगा, 24 इंटू बी हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मान लो कि मेरे पास तीन ठो मैंगो है, एग्जांपल के तौर में ले लो, मान लो मेरे पास तीन ठो मैंगो है एक बॉक्स में, एक बॉक्स में तीन ठो मैंगो है, ठीक है। तो मेरे पास अगर छह ठो बॉक्स रहेगा तो नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सेम इस मैथ में भी होगा कि नंबर ऑफ मैंगोज एक बॉक्स में अगर 24 है और मेरे पास बी बॉक्सेस है तो कितना नंबर ऑफ मैंगोज होगा, सारा बॉक्स मिला के 24 इंटू बी हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा क्या, 24 बी। तो वही हम लोग लिखेंगे कि नंबर ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये एक बॉक्स में है, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा, नंबर ऑफ मैंगोज कुल मिलाकर कितना होगा, नंबर ऑफ मैंगोज मेरा कितना हो जाएगा, 24 इंटू बी, मतलब मेरा हो जाएगा क्या, 24 बी। 24 बी नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा, 24 बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर कि नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे जो 24 यहाँ पे लिख लो कि नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल 24 इन ए बॉक्स, बगल में लिख लो इन ए बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स इक्वल, इसको यहाँ पे लिख दो कि नंबर ऑफ मैंगोज ऊपर लिख दो इन ए बॉक्स, एक ठो बॉक्स में, नंबर ऑफ मैंगोज इन ए बॉक्स, एक ठो बॉक्स में 24 मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्सेस बी है, तो मतलब क्या कितना मैंगोज होगा, 24 इंटू बी, मतलब 24 बी हो जाएगा। जैसे एक ठो बॉक्स में अगर तीन ठो मैंगो है तो मेरे पास छः ठो बॉक्स रहेगा, तो हम लोग टोटल मैंगोज कितना हो जाएगा, 3 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 निकल जाएगा आंसर, तीन भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरा क्या, यहाँ पे बी क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ बॉक्सेस है और नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पे है। तो देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस को, नंबर ऑफ मैंगोज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए, नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में, वही पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो नंबर का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4, सवाल को देखो क्या दिया है कि अनु एंड मीनू आर सिस्टर्स, अनु इज 5 ईयर्स यंगर देन मीनू, कैन यू राइट अनुज एज इन टर्म्स ऑफ मीनूज एज, टेक मीनूज एज एज एक्स ईयर्स। देखो बोल दिया कि मीनू का एज मान लो कि एक्स ईयर्स है, मीनू का एज मान लो कि एक्स ईयर्स है और अनु एंड मीनू दोनों बहन है, दोनों सिस्टर्स है। अनु इज 5 ईयर्स यंगर देन मीनू, मतलब मीनू का एज बोल दिया कि एक्स ईयर्स है और अनु मीनू से 5 ईयर्स छोटा है, ठीक है। तो मुझे पूछा है क्या, कैन यू राइट अनुज एज इन टर्म्स ऑफ मनुज एज, अनुज का एज क्या हम बोल सकते हैं मीनू का एज के टर्म के हिसाब से। तो देखो मुझे दो चीज़ बता दिया यहाँ पे कि मीनू का एज एक्स ईयर्स है और अनु मीनू से 5 ईयर्स छोटा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि मीनू का एज बता दिया यहाँ पे एक्स ईयर्स है। तो देखो मीनूज एज यहाँ पे एक्स ईयर्स से बता दिया और अनु क्या है, 5 साल छोटा है मीनू से। अनु इज 5 ईयर्स यंगर देन मीनू, मतलब अनु क्या 5 ईयर्स छोटा है मीनू से। तो मीनू का अगर एक ईयर्स एज है और अनु मीनू से 5 ईयर्स छोटा है तो मीनू अनु का एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव, माइनस कर देंगे हम, छोटा है तो इसलिए 5 ईयर्स माइनस कर देंगे, मतलब एक से हम 5 घटा देंगे, अगर बड़ा होता तो क्या जोड़ देते, एक्स प्लस 5 कर देते। मान लो तुम्हारा एज 10 साल है, मान लो कि तुम्हारा एज 10 साल है और तुम्हारा जो भाई है तुमसे 3 साल का छोटा है, तो भाई का एज क्या होगा, तुम अपने एज से 3 साल घटा दोगे तो भाई का एज निकल जाएगा, मतलब 10 - 3 तो 7 ईयर्स बोलोगे कि भाई का एज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, हम 5 ईयर्स को घटा देंगे, माइनस कर देंगे कि छोटा है, अगर बड़ा बोल देता कि बड़ा है तो 5 ईयर्स जोड़ देंगे तब एक्स प्लस 5 आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो छोटा है तो हम 5 ईयर क्या घटा देंगे, मीनू का एज से घटा देंगे क्योंकि मीनू बड़ा है अनु छोटा है, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर, अनु का एज, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर
अनुज एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी सम है। ठीक है, नेक्स्ट सम में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सवाल नंबर छः। छः नंबर वाला सवाल देखो क्या है, हर्षा स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, इफ शी स्कोर्स एक्स मार्क्स इन साइंस फाइंड हर स्कोर इन मैथमेटिक्स। मतलब हर्षा मैथमेटिक्स में 15 ज़्यादा स्कोर किया है, साइंस में जितना उसको मिला है उससे 3/4 ज़्यादा मिला है मैथमेटिक्स में, 3/4 उससे 3/4 से 15 ज़्यादा मिला है। तो अगर एक्स मार्क्स साइंस में स्कोर करेगा तो उसका मैथमेटिक्स में स्कोर कितना है। तो और एक बार पढ़ते हैं, देखो हर्षा स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। तो ये पहले वाला लाइन ही समझना पड़ेगा कि साइंस में हर्षा को जितना मिला है उससे 3/4, उसका जो 3/4 है 3/4 से भी 15 ज़्यादा। ठीक से समझो, हर्षा को साइंस में जितना मिला है उसका 3/4 पहले निकालना होगा, क्योंकि देखो बोला गया है 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, मतलब हर्षा को साइंस में जितना मिला है उसका पहले मुझे 3/4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसका जो 3/4 आएगा उससे भी 15 ज़्यादा मिला है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मुझे निकालना होगा कि अगर एक्स मार्क्स साइंस में उसको मिला है तो उसका मैथमेटिक्स का स्कोर बताओ। तो देखो हर्षा को साइंस में कितना मिला है, एक्स मार्क्स मिला है, ये बता दिया मुझे कि हर्षा को साइंस में एक्स मार्क्स मिला है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि हर्षा स्कोर इन साइंस इक्वल्स टू एक्स, उसको साइंस में एक्स मार्क्स मिला है। ठीक है, तो मुझे देखो मैथमेटिक्स का स्कोर बताना है। वो पहले वाला टर्म को, पहले वाला लाइन को और एक बार पढ़ो कि हर्षा स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, मतलब साइंस में उसको जितना मिला है उसको पहले मुझे 3/4 करना होगा। तो 3/4 करके जितना आएगा उससे भी मुझे क्या 15 ज़्यादा मिला है उसको मैथमेटिक्स में। तो उसका 3/4 कितना आएगा, साइंस का 3/4 कितना आएगा। तो साइंस में देखो उसको x स्कोर मिला है, x मार्क्स मिला है, तो इसका 3/4 करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 इंटू एक्स आएगा। 3/4 मतलब क्या, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4। तो उसको साइंस में जितना स्कोर मिला है और जितना मार्क्स मिला है उसका 3/4 करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 इंटू साइंस का स्कोर, यही आएगा। तो साइंस का स्कोर कितना है, एक्स है, तो उसको हम क्या 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3/4 मतलब 3/4 है, तो मुझे क्या 3/4 ऑफ साइंस स्कोर मिल जाएगा। तो उसको देखो तो इसका 3/4 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3/4 ऑफ एक्स इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 मतलब क्या 3/4 ऑफ मतलब क्या मल्टीप्लाई, और एक्स तो उसका साइंस का स्कोर था, तो कितना आ गया 3x/4। देखो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x आएगा और 4 नीचे बैठ जाएगा, तो 3x/4, ये 3/4 ऑफ x का मीनिंग है। अब ये जो 3/4 ऑफ x है, मतलब 3x/4 है, इससे भी 15 ज़्यादा मिला है मैथमेटिक्स में। तो ज़्यादा मिला है मतलब क्या, 15 हम जोड़ देंगे इससे तो मैथमेटिक्स का स्कोर मेरा निकल जाएगा। तो उसका मैथमेटिक्स का स्कोर कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे हर स्कोर इन मैथमेटिक्स कितना आएगा, 3x/4 प्लस 15, ये हो जाएगा उसका मैथमेटिक्स का स्कोर, क्योंकि 15 ज़्यादा मिला है, जितना साइंस में वो स्कोर किया है उसका 3/4, और 3/4 करने के बाद भी 15 ज़्यादा मिला है, मतलब साइंस ने उसको बता दिया कि एक्स मिला है उसको, उसका 3/4 करोगे 3/4 मतलब क्या 3/4 ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 ऑफ हर साइंस स्कोर, तो 3/4 ऑफ मतलब क्या है, 3/4 ऑफ किसका करोगे, साइंस का करोगे, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, 3/4 मतलब 3/4 है, और एक्स तो साइंस का स्कोर कितना आ गया 3x/4। अब जितना मिला है 3/4 करके उससे ही 15 ज़्यादा मिला है मैथमेटिक्स में, तो ज़्यादा मिला है मतलब जोड़ देंगे, कम मिलता तो घटा देते, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मैथमेटिक्स का स्कोर। तो यहाँ पे देखो सवाल क्या था, सवाल था कि फाइंड हर स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का स्कोर ये वाला आ गया 3x/4 प्लस 15, ये हो जाएगा मैथमेटिक्स का स्कोर। ठीक है, अच्छा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। देखो सवाल नंबर 7, ये मैचस्टिक वाला पैटर्न है जो एग्जाम, जो हम पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो समझाए थे दो एग्जांपल लेके, वो मैचस्टिक वाला पैटर्न है। देखो दे दिया यहाँ पे कि लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बता दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है,
एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल रहेगा। एक ट्राइंगल का क्या तीन ठो साइड होता है, तो तीनों साइड ही इक्वल होगा लेंथ में, वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये कुछ शेप दे दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल का। द ट्राइंगल्स आर नॉट सेपरेट, ये ट्राइंगल सेपरेट नहीं है। देखो एक ये वाला एक ट्राइंगल है और ये दो ठो ट्राइंगल जुड़ा हुआ है आपस में। यहाँ पे देखो एक ठो दो ठो तीन ठो ट्राइंगल, ये भी आपस में जुड़ा हुआ है, ये सेपरेट नहीं है। टू नेबरिंग ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक, देखो कॉमन मैचस्टिक मतलब क्या, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें देखो ये वाला जो मैचस्टिक है ये वाला मैचस्टिक कॉमन है, मतलब ये जितना भी ट्राइंगल्स हम लोग देख रहे हैं ना ये मैचस्टिक से बना हुआ है। जैसे कि ये वाला शेप कितना मैचस्टिक है, यहाँ पे एक ठो है, दो ठो है, तीन ठो है, चार ठो है, पांच ठो है, पांच ठो मैचस्टिक है। और उसमें से देखो ये वाला जो बीच वाला जो मैचस्टिक, ये वाला बीच वाला मैचस्टिक कॉमन मैचस्टिक है, मतलब ये जो मैचस्टिक है ये मैचस्टिक इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। मतलब क्या, दोनों नेबरिंग ट्राइंगल से आपस ट्राइंगल है, दोनों नेबरिंग ट्राइंगल से, उसमें बीच वाला जो मैचस्टिक है ये बीच वाला मैचस्टिक कॉमन मैचस्टिक है, ठीक है। और इसमें देखो इसमें तीन तो ट्राइंगल्स, तो पहले इस दो ट्राइंगल को सोचो, ये दो ट्राइंगल को सोचो, तो इस दो ट्राइंगल के लिए ये वाला मैचस्टिक कॉमन है, ये इसमें भी है और इस ट्राइंगल में भी है। और इस दो ट्राइंगल को सोचो, इस दो ट्राइंगल का अगर सोचोगे तो ये बीच वाला जो मैचस्टिक है ये बीच वाला मैचस्टिक क्या कॉमन है इस दो ट्राइंगल में, ये बीच वाला मैचस्टिक क्या इस ट्राइंगल में भी है, ये बीच वाला मैचस्टिक इस ट्राइंगल में भी है। मतलब क्या, यहाँ पे भी ये दो ट्राइंगल को अगर सोचोगे तो ये वाला मैचस्टिक कॉमन आ रहा है, और ये दो ट्राइंगल को अगर सोचोगे तो ये वाला मैचस्टिक मेरा कॉमन आ रहा है। मतलब कुल मिलाया क्या, दो ठो मैचस्टिक कॉमन है इस टोटल डायग्राम में। अच्छा उसके बाद देखो क्या बोला है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक। मतलब ये पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा और रूल को निकालना होगा कि रूल क्या है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे ये करने के लिए स्पेस का जरूरत पड़ेगा, तो ऊपर वाला जो सवाल है ये हम इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा तो ये काफ़ी है। अच्छा उसके बाद देखो तो पहला वाला देखो, यहाँ पे तीन ठो चार्ट बनेगा। एक तो होगा क्या फिगर, क्या क्या फिगर दिया हुआ है, मान लो कि ये वाला मेरा एक नंबर फिगर, ये डाल लो, मान लो कि ये नंबर एक फिगर है, ये मान लो दो नंबर वाला फिगर है, और ये मान लो तीन नंबर वाला फिगर है, ठीक है, ये मान लो। तो यहाँ पे देखो चार्ट क्या होगा, यहाँ पे पहले हम लोग डालेंगे क्या फिगर, पहले डालेंगे फिगर, दूसरे में डालेंगे क्या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उसके बाद क्या नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, उसके बाद क्या पैटर्न, ठीक है, इसको एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या है, एक ठो फिगर है, ये नंबर वन फिगर है, कितना फिगर है मेरे पास, तीन ठो फिगर है, तो पहले तीन ठो कर लेते हैं, तीन ठो फिगर है, दो नंबर, ठीक है, और यहाँ पे और एक ठो बॉक्स कर दे रहे, तो तीन ठो फिगर हो जाएगा मेरा, देखो तीन ठो फिगर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में देखो मेरा ट्राइंगल्स कितना है, पहले वाले फिगर में एक ठो ट्राइंगल्स है, सिर्फ एक ठो ट्राइंगल्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या एक हो जाएगा। कितना मैचस्टिक है यहाँ पे देखो काउंट करो, एक दो तीन, तीन ठो मैचस्टिक है, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक मेरा थ्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला डायग्राम में देखो मेरा कितना ट्राइंगल है, दो ठो ट्राइंगल है, एक दो ठो ट्राइंगल है, ठीक है। कितना मैचस्टिक का जरूरत है यहाँ पे काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ठो मैचस्टिक है, पाँच ठो मैचस्टिक है, होना कितना चाहिए था, छः ठो होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ठो ट्राइंगल में अगर तीन ठो मैचस्टिक लगेगा तो यहाँ पे जो दो ठो ट्राइंगल है तो कितना जरूरत था, दो इंटू तीन छः ठो जरूरत था, लेकिन है पाँच ठो लगा, मेरा पाँच ठो लग गया, क्यों, क्योंकि बीच वाला एक तो जो ये मैचस्टिक है ये मैचस्टिक कॉमन हो जा रहा है, इसलिए एक घट गया छः से, मतलब सिक्स माइनस वन फाइव का जरूरत हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे कितना ट्राइंगल से, एक दो तीन, तीन ठो ट्राइंगल से, तो यहाँ पे कितना मैचस्टिक का जरूरत पड़ता, अगर एक ठो ट्राइंगल के लिए तीन ठो मैचस्टिक का जरूरत है तो तीन ठो ट्राइंगल के लिए कितना लगेगा, थ्री इंटू थ्री, मतलब नौ ठो का जरूरत होगा, लेकिन नौ ठो यहाँ पे लगेगा नहीं, गिनो कितना लगेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ठो मैचस्टिक का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ठो कॉमन हो रहा है, ये वाला मैचस्टिक कॉमन है और ये वाला मैचस्टिक कॉमन है, मतलब दो ठो मैचस्टिक कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये तो सेपरेट नहीं है, दोनों तीनों ट्राइंगल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला मैचस्टिक जैसे इस ट्राइंगल के लिए लग रहा है ये सेम मैचस्टिक इसके लिए भी लगेगा, तो एक मैचस्टिक कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो मैचस्टिक आएगा कितना, सात ठो, तो देखो हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब मुझे पैटर्न को ठीक से स्टडी करना होगा कि यह पैटर्न क्या बन रहा है। देखो एक ठो ट्राइंगल के लिए मैचस्टिक लगेगा तीन ठो, दो ठो के लिए लगेगा पाँच ठो, ये पाँच है, ठीक है, और तीन ठो ट्राइंगल के लिए लग रहा है सात ठो,
तो यहाँ पे पैटर्न कैसे बनेगा, पैटर्न देखो क्या है, ये तीन को मुझे ये नंबर ऑफ मैचस्टिक, ये वाला सारा नंबर ऑफ मैचस्टिक से, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल से, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक जो है इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, किसके हिसाब से, नंबर ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक है, तो ये तीन को हम कैसे तोड़ेंगे, ये तीन को तोड़ेंगे जो कि नंबर ऑफ मैचस्टिक है, तो तीन तो मैचस्टिक लग रहा है क्या एक तो ट्रायंगल का बनाने के लिए, तो ये तीन को हम तोड़ेंगे क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो एक है एक से तोड़ेंगे। तो तीन को कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 2 × 1 + 1 ऐसे तोड़ेंगे, 2 × 1 = 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तीन को हम तोड़ दिए कैसे, एक के हिसाब से, देखो यहाँ पे एक है, एक से तोड़ दिया, हम बोले थे कि ये जो 3 है इसको, ये जो 3 है इस 3 को हम कैसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पैटर्न निकालना है मुझे तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है इसी के हिसाब से मुझे तोड़ना पड़ेगा। जैसे 5 को हम तोड़ेंगे क्या 2 के हिसाब से, 7 को तोड़ेंगे 3 के हिसाब से, मतलब जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मेरा है उसको तोड़ेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मेरा 3 तो है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 तो है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 को हम तोड़ेंगे क्या, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3 को हम तोड़ेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 को अगर तोड़ना चाहते हैं 1 के हिसाब से तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 आ जा रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न सेम होगा, अलग नहीं होगा, पैटर्न सेम होगा। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 है, तो 5 को तोड़ेंगे 2 के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकते, 2 × 2 = 4 + 1 = 5 आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये 2 मेरा क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, और यहाँ पे देखो जो 1 था ये मेरा 1 भी क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स था, मतलब ये 1 और 2 क्या, ये 1 और 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, उससे 2 सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं हर एक से और 1 जोड़ दिए, ठीक है। अगला वाला देखो नंबर 7, सिर्फ 700 मैचस्टिक है, इसको 700 मैचस्टिक से हम लोग क्या 300 ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 7 को भी तोड़ेंगे 3 के हिसाब से। तो सेम अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये भी क्या 2 × 3 = 6 + 1 = 7 आ जाएगा। देखो हम लोग क्या 7 को तोड़ दिए 3 के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये 3 भी क्या मेरा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, देखो 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो देखो ये जो 1, 2, 3 सारा मेरा क्या है 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 मेरा क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो जितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है उससे हम क्या 2 मल्टीप्लाई कर दिए हर एक से और 1 जोड़ दिए। तो देखो यहाँ पे एक ठो ट्रायंगल था उसको हम 2 से जोड़ दिए और 1 प्लस कर दिए, यहाँ पे 2 ठो ट्रायंगल था उससे 2 जोड़ मल्टीप्लाई कर दिए और 1 जोड़ दिए, 3 ठो ट्रायंगल था उससे 2 मल्टीप्लाई किए और 1 जोड़ दिए, मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि जितना ट्रायंगल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और अगला 1 जोड़ रहा है, हर एक में देखो 1 जोड़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, ठीक है। तो रूल क्या हो जाएगा, रूल क्या होगा पैटर्न में रूल क्या होगा, रूल क्या होगा कि 2 से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, यही मेरा रूल हो जाएगा, क्योंकि मुझे रूल लिखना होगा। देखो यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द पैटर्न, तो पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, और मुझे रूल फाइंड आउट करना होगा दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स क्या आएगा, ये मैचस्टिक्स आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स का रूल क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ये क्या आ रहा है 2 × ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना आ रहा है 2 × मेरा कितना है 1, 2, 3 ये वाला है, तो ये 1, 2, 3 क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल से, तो 2 से हम लोग क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मल्टीप्लाई कर दिए करके 1 जोड़ दिए, तब मेरा क्या नंबर ऑफ मैचस्टिक निकल जा रहा है, क्योंकि 2 × 1 = 2 और 1 जोड़ गए तो 3 ही आ रहा है, 2 × 2 = 4 और 1 जोड़ गए तो 5 ही आ रहा है, 2 × 3 = 6 जोड़ गए 1 तो 7 ही आ रहा है। मतलब क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ दे रहे हैं इस पैटर्न में, तो मेरा नंबर ऑफ क्या मैचस्टिक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स क्या आएगा, देखो 2 × 1, 2, 3 क्या रहा मेरा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स था, तो 2 × क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और हर एक से क्या 1 जोड़ रहे हैं, तो मान लो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम्हारा n है, मान लो क्योंकि वो एक वेरिएबल है, तो इसके जगह n बिठा देंगे तो 2 × n ऐसे हो जाएगा into नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मान लो n है प्लस 1, तो रूल क्या हो जाएगा 2n + 1 ये हो जाएगा रूल। यहाँ पे n तुम लोग लिख दोगे कि n क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, इसको मान लिए तो रूल क्या हो जाएगा 2n + 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ये सॉल्व करेंगे तुम्हारा एक्सरसाइज में, ये 9.1 जो एक्सरसाइज इसमें ऐसा और एक तो सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर 7 वाला सवाल है, नंबर 8 वाला सवाल देखना ऐसा ही दिया हुआ है, ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ा अलग है तो वो भी सेम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पहले टेबल बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो रूल्स होगा रूल्स को उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो तुम खुद कोशिश करना, वो होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म है, हम कुछ छोड़ दिए बीच में से सवाल, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ दिए, तो होमवर्क करोगे और उसके बाद मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ताकि वो सॉल्व कर दे। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है
एक्सरसाइज 9.2 वो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।